Hello everyone, welcome to my channel IGNU DNHE online classes. Myself Dr. Ayushi. अभी तक के वीडियोस में हमने देखा है DNHE program introduction, how to download assignments, tips for making assignments, study schedule of DNHE, how to make synopsis for the project report and how to make project report, that is DNHE 4. आज हम देख लेते हैं कि DNHE के कोर्स में क्या है. सो DNHE हैज़ फोर सब्जेक्ट्स, DNHE 1, 2 एंड 3 एंड वन प्रोजेक्ट वर्क, दैट इज़ DNHE 4. सो लेट्स स्टार्ट विद DNHE 1, न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी. इट कंसिस्ट ऑफ 6 बुक्स एंड वन प्रैक्टिकल मैनुअल. दीज बुक्स आर रेफर्ड टू एज ब्लॉक्स एंड देयर आर टोटल 25 यूनिट्स. Block 1, Basic Concepts in Nutrition, First. This is how the book looks like. इसमें total 3 units हैं. First unit is Food, Nutrition and Health. इस video में हम इस unit का first part पढ़ लेते हैं, that is Food. तो इसमें कौन से topics हैं एक बार देख लेते हैं. Introduction of Food and Nutrition, Definition of Food, What are nutrients and non-nutrients, definition of nutrients and its categories and functions of food. Introduction of food. जब हम कोई word सुनते हैं तो उसके बारे में imagine करने लगते हैं. उससे related जो जानते हैं वो हमारे mind में आ जाता है. जैसे for example लेते हैं word food. तो हमारे mind में आता है कि food is associated with worship and divinity, celebration and mourning, फैमिली गैदरिंग्स एंड कम्युनिटी फीसटिंग. एक तरह से हमारी एग्जिस्टेंस के सारे फीचर्स के साथ इंटरवोवन है फूड. फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, दैट इज सस्टेनिंग एंड नरिशिंग आर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सके. सो इट इज़ कॉल्ड लाइफ गिवर. न्यूट्रिशन टर्म हम यूज़ करते हैं फूड की साइंटिफिक स्टडी के लिए और कैसे वो बॉडी में यूटिलाइज होता है. सही तरह का फूड खाना और सही क्वांटिटी में फूड खाना बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है. हमारी हेल्थ हमारे ईटिंग पैटर्न पर डिपेंड करती है. नाउ फूड डेफिनेशन. फूड रेफर्स टू एनीथिंग विच नरिशेस आवर बॉडी. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स. इट इंक्लूड्स सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड्स विच कैन बी कंज्यूम्ड एंड विच हेल्प टू सस्टेन द बॉडी एंड कीप इट हेल्दी. ये फूड की डेफिनेशन है. जब भी किसी टर्म की डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसे एज सच बिना किसी ऑल्ट्रेशन के लिखना है. इस बात का आगे आने वाली हर डेफिनेशन के लिए याद रखें. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी को नरिश करे वो फूड कहलाता है. फूड एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है न्यूट्रिएंट्स और नॉन न्यूट्रिएंट्स का. ये क्या होते हैं वो हम आगे देखते हैं. फूड सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है. फूड बॉडी को सस्टेन करता है और हेल्दी रखता है. व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होता है. एंड देयर आर 40 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. और नॉन न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी की फंक्शन के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, पर वो फूड को फ्लेवर और कलर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. सो These are coloring and flavoring substances in food. Definition of nutrients. Food contains substances which perform important functions and these essential substances contributed by our food are called nutrients. There are 5 major categories of nutrients: carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. इन सभी को आगे आने वाली units में detail में explain किया गया है. Functions of food. Food के functions को 3 categories में divide किया है. Physiological, social and psychological functions. The physiological functions performed by food are: First is energy giving function. Carbohydrates or fats body को energy provide करते हैं. जैसे जब wood या coal burn किया जाता है तो वह energy release करता है in the form of heat and light. सिमिलरली जब कार्बोहाइड्रेट और फैट बॉडी में बर्न होता है तो इनमें से जो एनर्जी प्रेजेंट है वो रिलीज होती है और बॉडी उसे यूटिलाइज करती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़. इसलिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बॉडी फ्यूल्स भी कहा जाता है. सेकेंड इज़ बॉडी बिल्डिंग फंक्शन.
इट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। ये फंक्शन प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। जब बॉडी में ग्रोथ होती है तो ये सेल्स के नंबर इंक्रीज होते हैं, मतलब नई सेल्स बनती हैं और जो सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनका साइज इंक्रीज होता है। और जब समय के साथ जो सेल्स पुरानी हो जाती हैं उनको नई सेल्स से रिप्लेस कर दिया जाता है, इसे कहते हैं रिपेयर। तो दोनों ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए प्रोटीन्स ज़रूरी होता है। थर्ड इज प्रोटेक्टिव फंक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड का प्रोटेक्टिव फंक्शन है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, ताकि कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी को अटैक करे तो उसके अगेंस्ट बॉडी लड़ सके। और अगर बाय चांस बॉडी इन्फेक्ट भी हो जाती है तो फूड और न्यूट्रिएंट्स उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पुअर डाइट लेता है, मींस अ डाइट लैकिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, तो उसे रिकवरी में टाइम लगेगा और वो आसानी से बीमार भी हो सकता है। फोर्थ वन इज रेगुलेटरी फंक्शन विच इज ऑल्सो परफॉर्म बाय प्रोटीन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड ऑल्सो वाटर। वाटर दोनों प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस में कंट्रीब्यूट करता है। सो फूड प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग बॉडी प्रोसेसेस लाइक बीटिंग ऑफ हार्ट, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड एक्सेट्रा। जैसा कि हम जानते हैं, बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक सिंपलर सब्सटेंसेस आर यूज टू बिल्ड मोर कॉम्प्लेक्स वंस एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर कॉम्पोनेंट्स। जो ये रिएक्शंस होती हैं उसका रेट बॉडी की नीड पर डिपेंड करता है। विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन रिएक्शंस को कंट्रोल करने में, दैट इज दे एक्ट एज रेगुलेटर्स। सोशल फंक्शंस, जब हम किसी पर्सन के साथ फूड शेयर करते हैं इसका मतलब हमने उन्हें सोशली एक्सेप्ट कर लिया है। जब हम अपना मील किसी के साथ शेयर करते हैं तो मतलब हम उन्हें एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट करते हैं एंड वी आर गिविंग रेस्पेक्ट टू दैट पर्सन। फूड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फेस्टिविटी। फॉर डिफरेंट फेस्टिवल्स वी हैव स्पेशल मेन्यूज, फॉर एग्जाम्पल दिवाली, होली एक्सेट्रा। इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट फूड हैज इम्पॉर्टेंट प्लेस, such as offerings to deity and benediction or prasad, and religious community share a common eating habit. Psychological function, हर व्यक्ति की emotional needs होती हैं, like security, love and attention, और इन needs को satisfy करने का एक medium है food. For example, एक mother अपने child के लिए उसकी favorite dish prepare करती है तो उस चाइल्ड को लगता है कि उसकी मदर उससे प्यार करती है और उसका ख्याल रखती है और वो जानती है कि उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। जैसे हमने पहले भी देखा था कि इफ़ वी शेयर आवर फूड विद समवन, दैट मींस वी आर एक्सेप्टिंग हिम एंड हिज फ्रेंडशिप। फूड इन्फ्लुएंसेस आर इमोशंस टू। फूड व्हेन गिवन अस रिवॉर्ड गिव्स अस प्लेजेंट फीलिंग। और कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जब हम बीमार होते हैं तो हमें दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी, बट दिस डज नॉट गिव अस प्लेजेंट फीलिंग। तो ये हुआ यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे। अब देख लेते हैं इस पार्ट से एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। डिफाइन फूड और व्हाट इज फूड, राइट इन अबाउट 3-4 लाइन्स। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो यहाँ फूड की डेफिनेशन लिखना है जो कि हम पहले देख चुके हैं, और इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है 5 मार्क्स का। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स और व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, ये भी 2 मार्क्स में आता है और इस पर भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं 5 मार्क्स का। राइट डाउन फंक्शंस ऑफ फूड, ये क्वेश्चन डिटेल में आता है इन अबाउट 6-10 मार्क्स। पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उन्हें एलैबोरेट करके लिखना है। नेक्स्ट इज इन्यूमरेट फंक्शंस ऑफ फूड, दिस इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। इसमें सिर्फ फंक्शन के नाम लिखना है, दैट इज फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस के अलावा बुक में चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज फर्स्ट दी हुई है, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है और उसके सॉल्यूशन भी बुक में दिए हुए हैं, उन्हें भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज से भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आगे आने वाली सभी यूनिट्स के जो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है उन सभी को ज़रूर ध्यान से देख लेना है। और जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं
तो उनमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस भी देखने में आते हैं, तो उन्हें भी साथ के साथ प्रिपेयर करते जाएं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज में से भी ये डायरेक्टली आ जाते हैं। और पेपर में लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट्स का।